नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल की मानसी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माय स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट अनीप जवेरी जी। फिर कोने क्या किया जाए क्या किया जाए, तो हम लोगों ने सोचा कि एक मैगजीन निकाली जाए हिंदी में, और उस मैगजीन को हमने फोर्टनाइटली निकालने का सोचा, और नाम हमने रजिस्टर करवाया फिल्म सिटी। और फिल्म सिटी के नाम से एस खान एडिटर रहे, मैं उसमें रिपोर्टर रहा, लेकिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी और हमको कुछ इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नॉलेज ज़्यादा थी नहीं, तो हमने काफ़ी पैसा उसमें गंवा दिया। और तीन चार इशू के बाद हमको ये मैगजीन बंद कर देनी पड़ी। वो उस समय वीकली था या मंथली था? वो फोर्टनाइटली था। फोर्टनाइटली था। तीन चार हफ्ते के बाद हमने वो मैगजीन बंद कर दी। और उसी दौरान जब एकता में था तो पता चला कि नूरजा मलिका तरुण नूरजा पाकिस्तान से आ रही है और 35 साल के बाद पहली बार आ रही है आफ्टर पार्टीशन। तो मुझे इप्टा में के मेंबर होने के नाते मुझे इप्टा वालों का उसमें कंट्रीब्यूशन था, तो इप्टा के मेंबर्स को बैक स्टेज के लिए रखा गया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सोचा चलो नूरजा से बैक स्टेज पर मिलकर एक इंटरव्यू ही कर देते, क्योंकि वो इंटरव्यू का दौर ही चल रहा था मेरा। इप्टा में आर्टिस्ट लोग थे, फिर एस खान के साथ जाना आना होता था, तो मैंने सोचा कि चलो नूरजा जी का इंटरव्यू कर लेते हैं। और मैंने नूरजा जी का इंटरव्यू षण्मुखानंद हॉल में, उनको पहले वो राजी नहीं थी, लेकिन मैंने किसी तरह उनको राजी करके उनका इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू तकरीबन 7-8 रिसालों में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ, और मैं बहुत यंग था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या पूछना है, तो मैंने उनको गलती से ये पूछ लिया कि आपका पाकिस्तान के वज़ीर आला अयूब खान से क्या रिश्ता था। लोग बता रहे हैं कि आपके संबंध उससे रोमांटिक थे इस तरीके से। तो बात नूरजा जी ने कहा कि मुझे पाकिस्तान मीडिया या इंडिया के मीडिया में से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे पूछा, आज मुझे ये क्लियर करने का मौका मिला है। और नूरजा जी ने बताया कि उनका कैसा फैमिली रिलेशंस था और लोगों ने उस रिलेशंस को किस तरीके से मीडिया, वहाँ की पॉलिटिक्स ने किस तरीके से उसको दूसरे वे में लेके गई, वो पूरा अपना क्लियरिफिकेशन दी। ये मैं इंटरव्यू मार्केट में आने के बाद मुझे पुणे से कॉल आया प्रेस्टीज पब्लिकेशन से, उन्होंने कहा कि आप पुणे आके हमसे मिलो। अब कड़की का दौर तो था, एक तरह हम पैसे डुबा चुके थे उसमें, तो मैं एस खान की सलाह लेकर के पहुंच गया पुणे। तो उन्होंने हमको बताया कि हमारा एक मैगजीन षटकार जो है स्पोर्ट्स पे है मराठी में, और अभी हम एक मैगजीन्स ला रहे हैं मयूर पंख, तो उसका आप बॉम्बे रिप्रेजेंटेटिव हो जाओ। और तो मैंने कहा आपका मैगजीन मराठी में, और मराठी का मुझे एक शब्द भी लिखने नहीं आता है, तो ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, आपका जो हम देखे आपका नूरजा जी का इंटरव्यूज़ वगैरह, तो हमको लगा नहीं आप कोई भी लैंग्वेज में लिखो, आप उर्दू को छोड़ करके हिंदी, इंग्लिश या कोई और भाषा में भी लिखोगे तो आप भेज दो, हम ट्रांसलेशन करवा के भी उसको प्रिंट करेंगे। तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि जो भाषा मैं नहीं जानता था वो मैगजीन में मुझे जॉब मिल गया। और उस जमाने में मुझे कुछ 700-800 रुपीज पर मंथ वो लोगों ने देना स्टार्ट किया। कौन से साल की बात है ये? मेरे ख्याल से 1982-83 की बात है। और मैंने उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट किया यहाँ से, मतलब एक एक पहला स्टाफ बन करके मैंने काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि मैं रात के वक्त भिंडी बाजार पे मैं खड़ा हुआ था मेरे घर के पास, तो लोग भागते भागते हुए आ रहे थे, और एक शख्स आगे बैग लेके, ब्रीफकेस लेके भाग रहा था, तो यंग एज थी, तो उसको बोल रहे थे चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो मैं नेम लगा रहा था कि इसको मुझे पकड़ना है। और जैसे वो मेरे करीब आया मैंने उस पर जंप किया और वो भी गिरा, मैं भी गिरा, और उसके हाथ में नाइफ थी जो मैंने नहीं देखी थी पहले, वो भी गिरी। और मैं बोला अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या कर लिया। तब तक तो पब्लिक आकर के उसको दबोच ली, फिर पुलिस की गाड़ी आ गई और फिर उसको मैं हट गया वहाँ से। फिर दूसरे दिन सुबह में पुलिस वाले मेरे घर आए और बोले कि वो कौन था जिसने वो
उसको पकड़ा है, क्योंकि मोहल्ले वालों ने बताया कि वो यहाँ पे वो लड़का रहता है, उसने जम मार के पकड़ा है, ऐसे वो एक लक की बात थी क्या था। तो घर वालों में मेरे मतलब बहुत मेरी मम्मी बहुत नाराज हुई कि ये तुमने क्या कर लिया। तो पुलिस वालों ने बोला इसको अवार्ड मिलना है, इसने बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ा है जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, इसको अवार्ड नहीं, आप किसी को भी दे दीजिए अवार्ड। क्या? तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। उनको पुलिस वालों ने समझाया किया और फिर मैं मेरा सरकार पुलिस मुख्यालय में उस जमाने में कमिश्नर जेफ रेबर हुआ करते थे, जेफ रेबर ने मुझे अवार्ड दिया और अपने सर्टिफिकेट दी, कुछ कैश अमाउंट दिया और मुझसे कहा कि आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है पुलिस की सहायता करने के लिए। और फिर वो न्यूज़ भी सब पेपरों में आने लग गई कि मैंने पकड़ा करा। और इस तरीके से मैं आज तक एज ए जर्नलिस्ट मुझे किसी ने अवार्ड नहीं दिया, वो फर्स्ट एंड लास्ट अवार्ड था अब तक। उसका नाम क्या है जिसको पकड़ा था आपने? वो मुझे ये सच्ची याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है और मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं वो जेल से छूट के मुझे ढूंढेगा करेगा। मैं काफ़ी दिनों तक वो टेंशन में रहा, वो अवार्ड की खुशी नहीं थी मुझे, मुझे बल्कि वो अवार्ड टेंशन हो गया था मेरे लिए। फ्रीलांस कर रहा था तो उस जमाने में एक सिनेमा रील करके एक मैगजीन आई थी, मंथली मैगजीन थी। तो मैं वो फोर्ट के न्यू एम्पायर बिल्डिंग में उनका ऑफिस था, तो मैं अपने फोटोग्राफर के साथ उनसे मिलने के लिए चला गया एडिटर से कि मैं इनसे मिल लूँ और अपना जुगाड़ कुछ कर लूँ कि मंथ में मेरा कुछ एक आधा आर्टिकल भी छपे तो मुझे 7500 रुपया भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो एडिटर थे सुरेंद्र गुप्ता साहब, जो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। तो सुरेंद्र जी से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे पूरा सुना और मुझे उन्होंने एक असाइनमेंट दे दिया, इतना हार्ड असाइनमेंट दे दिया कि शायद मैं वो कर ही नहीं पाऊँ। उन्होंने कहा कि ये जो ये जिंदगी सीरियल चल रही है और इसके सारे कलाकारों के इंटरव्यूज आपको कर रहे हैं, डायरेक्टर्स के कर रहे हैं और हमको टेक्निकली चीज़ें बतानी है कि एक एपिसोड कितने में बनता है, आर्टिस्ट को कितना पेमेंट दिया जाता है, दूरदर्शन प्रोड्यूसर को कब पेमेंट करती है, बजट क्या होता है, मतलब वो अलग तरह का इंटरव्यू भी था और स्टार से भी मिलना था। मैंने कहा और उन्होंने मुझे 20-25 दिन का टाइम दिया कि इतने सारे लोगों का आपको मैं 20-25 देता हूँ, इंटरव्यू करके लाओ, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन शायद वो मेरी एग्जाम ले रहे हो कि पता नहीं कर पाता या नहीं। मैं फोटोग्राफर के साथ नीचे उतरा और वहाँ एम्पायर बिल्डिंग से मैंने, क्योंकि IPTA में था, एप्टा में मैं था, तो मुझे राकेश बेदी से मेरी अच्छी दोस्ती थी और राकेश बेदी के अलावा और भी कई लोग ये जो जिंदगी में जो काम कर रहे थे वो इप्टा से जुड़े हुए थे, जैसे डायरेक्टर रमन कुमार है, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक पंडित है, फिर और दूसरे भी थिएटर के ही लोग थे, स्वरूप संपत, शफी नामदार वगैरह, तो थिएटर टू थिएटर भी लोग जानते थे। तो मैंने फ़ोन किया राकेश बेदी को, तो राकेश अब मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो मैंने राकेश बेदी को फ़ोन किया तो राकेश ने मुझसे कहा कि हनीफ तुम एक काम करो, राजकमल कला मंदिर आ जाओ, मैं निकलने में हूँ, मैं लेट हो चुका हूँ। तो मैंने कहा वहीं पे आके बात करते हैं। तो मैंने सोचा राकेश का एक का इंटरव्यू तो हो जाएगा कला मंदिर में, तो मैंने चलो ठीक है। फोर्ट से मैं वो फोटोग्राफर को लेकर राजकमल स्टूडियो पहुंचा, देखा तो ये जो है जिंदगी की ही शूटिंग चल रही थी। तो मैं बोला अरे बाप ये तो सोने पे सुहाग हो गया। और उस दिन पहला दिन था फरीदा जलाल की शूटिंग का, फरीदा जलाल उसमें इंटरव्यू ली थी, उसकी शूटिंग का पहला दिन था, तो मैंने फरीदा जी का भी इंटरव्यू कर लिया। और 3 दिन के अंदर में मैंने सारे इंटरव्यूज करके लाके सुरेंद्र जी को दे दिए। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि जिस बंदे को 25-30 दिन दिए गए थे ये क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया कैश, कुछ 250-300 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए और उन्होंने कहा कि आप मेरे टच में रहिए। लेकिन मैं 10-12 दिन में मुझे पता चला कि सिनेमा रील ही बंद हो गई, मैगजीन ही बंद हो गई। फिर मुझे सुरेंद्र जी का फ़ोन आया एक महीने के बाद, क्योंकि मैंने अपना विजिटिंग कार्ड पर छोड़ के गया था। उन्होंने कहा कि आप आके मुझसे मिलो, मैं उनसे जाके AC मार्केट में मिला जाऊँ। उन्होंने मुझे बुलाया था, बोला आप हम नई मैगजीन निकाल रहे हैं, आप हमारे स्टाफ के तौर पर हमको ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कर लेता हूँ, मैं ज्वाइन कर लिया उनको। मैंने कहा आपकी मैगजीन का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हमने अप्लाइड किया है फिल्म सिटी और ये टाइटल मिलते ही हम मैगजीन, बोला आपको मिल ही नहीं सकता क्योंकि टाइटल तो हमारे पास है। तो उन्होंने क्या बात करें, बोला इस नाम से हमने 3-4 इशू निकाल चुके हैं। तो बोले सुरेंद्र जी ने मुझसे कहा कि टाइटल किसके पास है? मैंने कहा मेरे दोस्त के नाम पे है, एस खान। तो बोले मुझे आप दिलवा सकते हो टाइटल? मैंने कहा, मैंने मन में सोचा कि हमारे तो यूज़ का है ही नहीं और एक बंदा मेहनत करना चाहता है और फिर ऑलरेडी मैं फिल्म सिटी से जुड़ ही चुका हूँ एक तरह से,
तो क्यों नहीं, तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ एस खान साहब से बात करके। तो इस तरीके से मैंने एस खान साहब की और सुरेंद्र गुप्ता की मीटिंग करवाई, और सुरेंद्र गुप्ता जी ने कुछ कवर में उनको दिया भी, और एस खान भी एग्री हो गए कि हाँ जब हम कर ही नहीं पाएंगे ये प्रोजेक्ट को तो हमारा एक साथी कर रहा है तो अच्छी बात है। तो फिल्म सिटी स्टार्ट हो गई, और फिल्म सिटी के पहले इशू से लेकर के मैं तकरीबन 14-15 साल उनके साथ मैंने काम किया। और फिर तो फिल्म सिटी आप देखते ही नंबर वन मैगजीन हो गई थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद फिल्म सिटी में मैं था तो मेरे पे एक लेबल लग गया फिल्म सिटी जर्नलिस्ट का, तो मैं जहाँ भी जाता था तो फिल्म स्टार्स बड़े इज्जत से मिलते थे और इंटरव्यू देते थे। तो मैंने पीआरओशिप शुरू कर डाली, कई फिल्मों की मैंने पब्लिसिटी पीआरओशिप की, कई स्टार्स का मैं पर्सनल पीआरओ रहा, क्योंकि मुझे सर जब भी जो जितना भी कमाए हमको कम ही लगता है, आज भी जितना भी कमा लो तो कम लगता है। तो मैंने वो पीआरओशिप भी स्टार्ट कर ली, पीआरओशिप की वजह से मुझे काफ़ी इंट्रोडक्शन इंडस्ट्री में अच्छा हुआ, और महमूद साहब से मेरी दोस्ती हो गई। मैं महमूद साहब का इंटरव्यू करने गया, 2-3 इंटरव्यूज किए उनके, और वो मेरे बहुत चाहने लग गए। कब की बात है ये 88-89 की बात है। कौन से सेट पे गया था उनसे मिलने? 88 में एक्चुअली हुआ था प्रकाश मेहरा, 86 की नहीं 86 की बात है। प्रकाश मेहरा ने एक पिक्चर बनाई थी ईमानदार। हाँ एक मिनट।